सो हे व्हाट्स अप गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली से यहाँ पर जो मेंस फिजिक कैटेगरी की जो प्री जजिंग है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो रवि पवार भाई की जो है फिजिक की। सो क्लियरली काफ़ी अच्छी और बेहतरीन फिजिक को लेकर आए थे, जो कि इन्होंने अपने फिजिक अपडेट दिए थे उसी के हिसाब से यहाँ पर जो फिजिक काफ़ी बेहतरीन और एकदम जो है डेंजरस फिजिक थी, और जो पीक होती है वो बिल्कुल भी मिस नहीं की थी। सो जिसके कारण जो फिजिक थी एकदम जो है निखर कर आई थी। ओवरऑल फिजिक में काफ़ी अच्छे जो है मसल मास को लेकर आए थे, कंडीशनिंग बेहतरीन लग रही थी। फिजिक में जो मेन बात आती है वो आती है रेजर शार्प कंडीशनिंग को लेकर आए थे। सो ओवरऑल कंडीशनिंग बेहतरीन लग रही थी। अभी जो फाइनल्स कल होंगे, सो यहाँ पर जो फिलहाल प्री जजिंग में तो काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। जजेस जो है ने मिड सेक्शन में रख रहे थे, जो जिस एथलीट को जो है मिड सेक्शन में रखा जाता है उसके जो जीतने के चांसेस होते हैं वो बाकी एथलीट से जो है काफी ज्यादा होते हैं। सो यहाँ पर जो है रवि पवार भाई अपने कॉल आउट में तो यहाँ पर जो है मिड सेक्शन में ही रहे हैं। सो जिसके कारण यहाँ पर जो इनके जीतने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बन रहे हैं। सो अभी फाइनल्स जो होंगे वो कल होंगे, सो वहां पर जो पता चलेगा कि रवि पवार भाई की जो प्लेसिंग और जो इनकी प्रो कार्ड के लिए फाइट है क्या वो पूरी होती है या नहीं। सो इसका जो हमें पता कल चलेगा। सो फाइनली से बात करें अगर सिद्धांत भाई की फिजिक की, तो जैसा वो कह रहे थे वैसा यहाँ पर जो है पैकेज लेकर आए थे। ओवरऑल फिजिक में काफ़ी अच्छे जो इंप्रूवमेंट किए थे, स्पेशली जो मसल मास था बाकी सभी एथलीट के कंपैरिजन में काफ़ी अब मैसिव लग रहे थे। फ्रेम में काफ़ी अच्छा जो मसल मास ऐड किया था। ओवरऑल कंडीशनिंग बेहतरीन लग रही थी और फिजिक को जो है बिल्कुल जो है पीक करके लेकर आए थे। सो जिसके कारण पूरे के पूरे जो लाइनअप से अलग दिखाई दे रहे थे। मिड सेक्शन जो कि इनका प्लस पॉइंट है काफ़ी बेहतरीन आया था। ओवरऑल फिजिक में काफ़ी अच्छा सेपरेशन और डीप डिटेलिंग दिखाई दे रही थी। तो सिद्धांत भाई ने यहाँ पर जो है काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। सो मेरे ओपिनियन से मुझे लगता है कि कल यहाँ पर जो सिद्धांत भाई प्रो कार्ड जीत सकते हैं। सो अभी देखते हैं कि अगर कल भी पी करके बिल्कुल जो है शेडिड फिजिक को लेकर आ गए तो कल जो है प्रो कार्ड से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। सो अभी देखते हैं कि कल जो इनकी फिजिक है वो कैसी आती है। सो आपको लगता है कि जीत सकते हैं प्रो कार्ड को या नहीं, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड वीडियोज़ के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।